अस्सलाम वालेकुम। देख बारिश का हम लोग का इंतज़ार था। देखिए आज बारिश हो ही गई, इतनी गर्मी थी दो दिनों से, लेकिन बारिश होने के वजह से मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। इस मौसम में हम लोग कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। दाल पीठी इस मौसम में बहुत अच्छा लगता है, तो आज मैं दाल पीठी बनाऊंगी। देखिए मेरा बेटा कितना अच्छा बारिश है इंजॉय कर रहा है, कितना खुश है माशाल्लाह से। अब हम चलिए हम लोग अब चलते हैं किचन में, दाल पीठी बनाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए हम लोगों ने दाल लिया है दो तरह का, मूंग दाल और लाल दाल जो मसूर दाल कहते हैं। और अपने हिसाब से कोई एक दाल ले सकते हैं, हम दोनों दाल ले लिए। और ये प्याज है और ये अदरक लहसुन पेस्ट है, अदरक थोड़ा सा लिए उसका पेस्ट। ये तेज़पत्ता है जो तेल में जाएगा, और ये गरम मसाला है, काली मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर सब हम लोग। ऐसे तो दाल पीठी तो वो सिंपल सा बनता है, लेकिन हम लोग उसका दाल को चटकीला करने के लिए हम लोग थोड़ा सा मसालेदार बना रहे हैं। देखिए तुमने कुकर चढ़ाया था और वो गर्म हो गया, तेल डालें, अब तेज़पत्ता डालेंगे, अब गर्म और हो जाए तो प्याज डाल देंगे लाल होने के लिए। बहुत अच्छा लगता है खाने में ये। देखिए लाल हो गया है प्याज, अब मैं वो अदरक लहसुन पेस्ट डालूंगी, सारे सूखा मसाला डालूंगी। देखिए सूखा मसाला डाल दिए उसको, डाल थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा भूनूंगी उसको, थोड़ा सा सब आपस में मिक्स हो जाए, मुलायम प्याज मुलायम हो जाएगा। और नमक डालूंगी इसमें, मैं नमक नहीं डाली थी। अब इसको अच्छा भुनेंगे, देखिए भूनते भूनते देखिए कलर कितना अच्छा आ गया। अब मैं दाल डालूंगी इसमें, जो दाल मैंने दिखाई थी, अपने हिसाब से दाल ले लीजिएगा जितना चाहिए आप, उसी हिसाब से हम दाल लिए थे। देखिए दाल भी भुन गया है, पानी डाल के मैं दो तीन सीटी लगाऊंगी, दो तीन सीटी में गल जाता है ये। अब मैं ढक्कन लगा दूंगी, इधर आटा को मैं गूंथ लूंगी। आटा में मैं थोड़ा सा नमक जाएगा और थोड़ा सा तेल डालेंगे। नमक थोड़ा सा हल्का ही डालेंगे क्योंकि उस दाल में भी नमक मैंने डाला था। लेकिन आटा गूंदेंगे बहुत सख्त, ना ही बहुत नरम सानूंगी, बस मीडियम सानूंगी ताकि बेल सके आसानी से। इसका दिए खूब अच्छा इस तरह से हम लोग उसका फूल की तरह बना देते हैं, बेल बेल के गोल गोल काट करके। देखिए कैसे बनाते हैं, देखिए मैंने गोल काट के और इसको इस तरह से फूल की तरह से दोनों आपस में चिपका देंगे, दोनों तरफ मुंह खुला रहेगा, उसके अंदर दाल चले जाता है और भाप से भी अंदर तक गल जाएगा। कोई भी शेप दे सकते हैं, हम लोग ये शेप देते हैं तो ये अच्छा लगता है, देखने में खूबसूरत लगता है, खाने भी अच्छी तरह से गल जाता है। अपने हिसाब से बड़ा छोटा आप लोग कर देंगे जैसा भी लें, लेकिन गोल गोल करके इस तरह से मोड़ते रहना है। इसी तरह पूरे को बना देंगे इसी तरह से। अब ये दाल गल गया था, इसको हमने मत लिया, अब इसको दूसरी पतीली में डालेंगे, डाल के थोड़ा सा और पानी डालेंगे ताकि ये सारे उसमें डालना है और गलाना है उसी पानी में। देखिए इतना सारा है, सभी को उस दाल में गला देना है। देखिए उबाल आ गया, वो जो दाल में पानी डाला था, अब सब
जितना भी मैंने पिट्ठी बनाई थी आटे की, सब इसमें डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, अच्छे से बस पक जाए, इसी पानी में पक जाएगा। देखिए सब हमने डाल दिया, अब इसमें एक उबाल आएगा तो धीमा कर दूँगी, आधे घंटे में ये बन जाता है। देखिए ठीक सा हो गया है। अब मैं इसमें प्याज को लाल की थी चॉप करके, बिरयानी घी की बिरयानी की थी, देखिए घी की बिरयानी की थी, इसी दाल में डाल देंगे, घी भी डाल देंगे और सारा प्याज थोड़ा सा डाल देंगे, उसमें खुशबू अच्छा आ जाता है, घी का फ्लेवर खूब अच्छा लगता है आने से। और थोड़ा सा बचा लेंगे, गार्निश करेंगे। देखिए अब मैं निकाल रही हूँ, कुकर बंद, वो गैस बंद कर दिए थे, निकाल। बनाइए, बहुत अच्छा बनता है, बड़े को बच्चे को सबको अच्छा लगता है। मेरे पापा का तो फेवरेट डिश है, पापा का बहुत पसंद है ये। और ये जो बचाए थे इसको भी इसमें डाल देंगे। और ये चटनी है मूंगफली और हरी मिर्च, लहसुन को रोस्ट करके इसको ग्राइंड कर दिए थे, गाढ़ा सा पेस्ट बना दिए थे। और इसमें नींबू, थोड़ा सरसों तेल, नमक डाल दिए थे। बस अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।